Hello and welcome to Bollywood Wala. Superstar Akshay Kumar is back on our silver screens with his socially relevant film Padman. Main hu Getty Galaxy par with the three wise men or the gurus of Getty as they are now popularly known. Let me ask them if they loved watching the film and if they enjoyed watching Akshay Kumar in it or not. Bobby ji, Lalu ji, and Vijay ji, welcome to Bollywood Wala. Bobby ji, aapse chalu karte hain. Bahut hi khushmizaj mood mein lag rahe hain aap. Kaisa laga aapko Padman? Padman पिक्चर सुपर हिट पिक्चर है. वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म. ओके. वंडरफुल कंसेप्ट, यूनिक कंसेप्ट, एकदम डिफरेंट फिल्म. हैट्स ऑफ टू अक्षय कुमार. ऐसी पिक्चर करने के लिए दम चाहिए, दम. वो शायद किसी एक्टर में है ही नहीं. ये रोल मेरे ख्याल से कोई एक्टर नहीं करता सिवा अक्षय कुमार. क्या बात है. हैट्स ऑफ टू अक्षय कुमार. जबरदस्त पिक्चर, मजेदार, मजा आ गया. टोटली एंटरटेन, टोटली एंटरटेनमेंट विद अ वेरी गुड सोशल मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज. ओके. इन एंटरटेनिंग मैनर. एंटरटेनिंग मैनर, ग्रेट. लालू जी, सर, ब्लैक पेन है आप, लेकिन कितना कलरफुल लगा फिल्म. कलरफुल पिक्चर, कलरफुल है. और प्रोड्यूसर ट्विंकल खन्ना और डायरेक्टर आर बाल्की, क्या बात है, ऐसी पिक्चर बना के लाए हैं, नेवर सीन बिफोर. और इस पिक्चर का नाम है पैडमैन, है ना. सही बात. एब्सोल्युटली. एंड वेरी वेल डायरेक्टेड पिक्चर आई मस्ट से. और हाँ, एक नुक्स मेरे को जरूर नजर आया. जो पिक्चर उन्होंने शुरू की है अक्षय कुमार को शादी के फेरे लेते हुए, यू नो, राधिका आपटे के साथ, तो दैट आई फील, यू नो, इज अ बिट टू मच, बिकॉज राधिका आपटे लुक्स एज वाइज हिज डॉटर फिगर. इन्होंने तो केमिस्ट्री कुछ ज्यादा जमी नहीं, मतलब, यू नो, सॉर्ट ऑफ, एटलीस्ट आई फील दैट वे. और दे कुड हैव शोन दैट दे आर ऑलरेडी मैरिड, ठीक है, लेकिन शादी के फेरे लेते हुए 50 या 50 के ऊपर भी हो सकता है अक्षय कुमार, तो दैट बिकेम अ बिट टू मच, यू नो, एटलीस्ट. ओके. एंड देन आफ्टर दैट, यू नो, व्हाट एवर. क्या 50 सर, आपके जैसे तो है जवान अक्षय कुमार. ये वॉर. अच्छा, इज द न्यू 16. अच्छा, ओके. अभी एक्चुअली, यू नो, वंस अगेन, यू नो, आई एम रिपीटिंग, वी आर रिपीटिंग दैट नेवर स्टार्ट द पिक्चर अलॉन्ग विद द टाइटल्स. ओके. हम एक काम एक बार कर सकते हैं, या तो हम टाइटल्स पढ़ सकते हैं या फिर हम पिक्चर देख सकते हैं. और मुझे गाने बड़े अच्छे लगे और मैं जानना चाहता था कि भाई इस पिक्चर का संगीतकार कौन है. वो तो चला गया, मैं पढ़ नहीं सका. उसके बाद, मतलब, यू नो, व्हेन आई मेट द यंगस्टर्स, दे आर टेलिंग मी दैट अंकित तिवारी इज द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ द पिक्चर. एंड स्पेशल अमित त्रिवेदी, सॉरी, अमित त्रिवेदी इज द पिक्चर्स म्यूजिक डायरेक्टर. एंड देन स्पेशल मेंशन फॉर द background score also. Okay. It's very well given. Great. Musical score also. Great. And there are clap-worthy dialogues. Some of the dialogues are clap-worthy. Jahan Sonam Kapoor kehti hai. Sonam Kapoor ke. Mere ko Sonam love se mera naam hai. Sonam yaad aata hai. Sab Sonam Kapoor kehti hai ki bhai ek aurat hi ek aurat ko aurat ki baat samjha sakti hai. You know, it's very well put, the dialogue is very nice. Okay. And yes, of course, the special appearance by Amitabh Bachchan, nobody can miss. And we know that R. Balki will never make a picture without Amitabh Bachchan. Correct. Maybe a guest appearance or whatever it is, okay, you know. Okay. So, I love the picture. Overall, you loved it. Overall, I loved the picture. Okay. Yes. Vijay ji. Lalu ji ne jo baat ki aurat ke bare mein, to Akshay Kumar kehta hai ki aurat ki samasya ki puri na kar sakun main, to mard kahe ga. Hey, yeah. Akshay Kumar bahut acha mara. Okay. Picture kaise lagi? Picture bahut achi. Climax to ekdam zabardast. Zabardast. ये बड़ा हिम्मत का काम किया अक्षय कुमार ने. ओके. स्पीच बहुत अच्छा लगा. बहुत लोगों को शर्म आती है पैड पकड़ने के लिए, लेकिन आज दुनिया भर में छा गया. क्या बात है, क्या बात है. क्लाइमेक्स जो क्लाइमेक्स भी अच्छा है, और जो इंटरवल के पहले जो कुछ सीन है ना, और जो अक्षय कुमार खुद पैड पहन के वो कुछ करता है, वो सीन एकदम हाईलाइट सीन है पिक्चर का. अच्छा, टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी. बट ऑल ऑल इट्स अ माइंड ब्लोइंग मूवी. माइंड ब्लोइंग. अक्षय कुमार का परफॉर्मेंस कैसा लगा? कुछ स्पेशल, एनीथिंग स्पेशल क्या लगा? सी, अक्षय कुमार को मैं बोलूंगा कि इतना दम किसी हीरो में है ही नहीं. कि ये रोल करे, मेरे ख्याल से कोई रोल, ये रोल कोई नहीं करता ही नहीं था. ओके. मैं एवरी मनी मस्ट हैव मिस्ड रिजेक्टेड. अक्षय कुमार ने एक सिलेक्ट किया रोल. ओके. और ये रोल इतना अच्छे से किया उन्होंने, मतलब पब्लिक को कन्विंस हो रहा है, मतलब हाँ, ये आदमी ये रोल कर सकता है. तो अक्षय कुमार इज द रियल सुपरस्टार. और सुपर हीरो जो भी बोलो, वो जो अमिताभ बच्चन ने फिल्म में बोला है कि अमेरिका के पास बैटमैन है, सुपरमैन है, तो हमारे पास पैडमैन है. Okay. अक्षय कुमार इज अ रियल हीरो. तो आपको इस बात का बेहद खुशी है कि ये पद्मावत के साथ रिलीज नहीं हुआ, इसको एक सोलो रिलीज मिला आज. और व्हाट वुड यू से?
सोलो और अक्षय कुमार को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी फिल्म आए, क्या आप हिस्ट्री अभी इतिहास उठा के देख लो तो अक्षय कुमार के सामने जितने भी हीरो आए उस उनकी फिल्म अगर अक्षय कुमार के सामने रिलीज हुई तो अक्षय कुमार ने उनकी फिल्म को उड़ा दिया है। शायद सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, संजय दत्त हो या ऋतिक रोशन हो, आप इतिहास उठा के देख लो जब अक्षय कुमार की फिल्म गरम मसाला रिलीज हुई थी उसी वक्त सलमान खान की फिल्म क्यों की रिलीज हुई थी और संजय दत्त की फिल्म शादी नंबर वन रिलीज हुई थी और दोनों फिल्में फ्लॉप हुई थी और अक्षय कुमार की गरम मसाला हिट हो गई थी। और तारे जमीन पर जब आमिर खान की रिलीज हुई थी तब अक्षय कुमार की वेलकम रिलीज हुई थी तो तारे जमीन के बाद में सुपर हिट हुई, लेकिन पहले दिन वहाँ पब्लिक ही नहीं थी और अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल थी। तो और जब शाहरुख की वीर जरा आई थी तब अक्षय कुमार की एतराज आई थी और अभिषेक बच्चन की नाच आई थी और मुगले आजम भी रिलीज हुई थी उसी दिन। तो तीनों फिल्में फ्लॉप हो गई थी लेकिन अक्षय कुमार की फिल्म को अप्रिशिएशन ज़्यादा मिला था। यानी अक्षय कुमार का क्या है, मैं आऊँगा तो मेरे सामने कोई नहीं टिक पाएगा, अगर मैं जाऊंगा सबको लेके दूंगा। प्रो खिलाड़ी भाई, ये नॉलेज के लिए तालियां यार, क्या 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 बात है, क्या बात है। और एंड फॉर वन स्मॉल थिंग फॉर पीपल हु रीड द ये वीडियो आपका देखते हैं और कमेंट करते हैं, उनको क्या लगता है कि अगर मैं बोलता हूँ फिल्म फ्लॉप, जैसे टाइगर जिंदा इज अ फ्लॉप फिल्म, 300 करोड़ किया, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब ये नहीं कि फिल्म अगर बॉक्स ऑफिस हिट होती है 300 करोड़ करती है तो पिक्चर अच्छी है। टाइगर जिंदा है 300 करोड़ किया, इज अ फ्लॉप फिल्म। आमिर खान की धूम ने 300 करोड़ किया, इज अ फ्लॉप फिल्म। लेकिन आमिर खान और सलमान खान की एक फिल्म थी अंदाज अपना अपना, वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई थी। इट्स अ वेरी गुड फिल्म, सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट जो पिक्चर अच्छा बिजनेस करेगी वो पिक्चर अच्छी है। अगर क्रिसमस में रिलीज होगी ना, अगर क्रिसमस में ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट 300 करोड़ मारती है, इट्स नॉट अ बिग थिंग। अक्षय कुमार की जैसा जो पिक्चर रिलीज करके पता है और हिट करके दिखा है, he is actually a superstar. Bobby Bhai is completely in love with Akshay and he has a reason for the same. But not with Akshay, the kind of cinema he is doing. Actually I appreciate him. क्या बात है, very well said. साहब ये अभी अक्षय कुमार के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो आई फील द इमोशनल सीन्स तीन जगह उसने दी हैं, इमोशनल सीन्स इतनी अच्छी तरह निभाई हैं उसने कि एक नेवर सीन बिफोर, यू नो। ओके ओके, बहुत अच्छा, रुला देंगे आपको वो सीन, दिल को छू लेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है जो फिल्म खत्म हो जाती है, टाइटल शुरू होता है लेकिन कोई भी अपना सीट नहीं छोड़ा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। हाउसफुल थी, कैसा था? हाउसफुल ओके थी, ओके, बट और क्लाइमेक्स तो बहुत ही बड़ा है, जो इंग्लिश टूटी फूटी बोलता है अमेरिका में, बहुत जबरदस्त। क्या बात है, क्या इमोशनल सीन है, मतलब रोल में घुस गए एकदम कम्प्लीटली। इसमें एक डायलॉग बहुत बड़ा है जहाँ पर वो वेल्डिंग का काम करता है अक्षय कुमार, तो उनका जो मालिक कहता है कि जो चीज़ आप बनाते हो तो पहले खुद इस्तेमाल करो। तो अक्षय कुमार कहते हैं कि क्या कहा आपने, जो चीज़ बनाते हो पहले खुद इस्तेमाल करो। तो उसको याद आता है कि पैड जो मैं बना रहा हूँ तो पहले मैं तो चेक करूँ, तब वो चेक करता है। क्या बात है, ये बहुत बढ़िया बात है। लालू जी, इमोशनल सीन्स की तो बात की आपने, लेकिन रोमांस का क्या साहब, रोमांस की बात ऐसी, अक्षय रोमांस और लालू जी तो मतलब क्या है साहब। रोमांस के बारे में अगर हम अक्षय कुमार पिक्चर में हैं तो हम जानते हैं कि ट्विंकल खन्ना से उसको थोड़ा डर लगता है, यू नो, अगर कहीं उसने चुमा चाटी की तो रात का फिर मान है, आप समझ जाइए सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मिस किया आपने चुम्मा चट्टी लिप लॉक, बट देन यू नो, बट देन आई मीन ये राधिका आप्टे, मतलब ऑल्दो शी इज मैरिड, यू नो, एक गांव की जैसे स्टोरी बताई गई है, उसका लज्जाना शर्माना और वो जो मतलब यू नो पैट्स के बारे में जो बातचीत करते रहती है अक्षय कुमार से, दैट इटसेल्फ यू नो शोज सम दिस थिंग लाइक यू नो के बाकी हम जानते हैं कि भाई अक्षय कुमार बेचारा वो नहीं कर पाता, यू नो, लाइक सीधी सी बात है, ये सोच समझ के आते हैं हम लोग। इट्स नॉट अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी, यू नो, इट्स नॉट अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर यू। सोनम कपूर का डायलॉग बहुत बढ़िया है कि अक्षय कुमार कहते हैं कि तू इतनी अकलमंद कैसी है, तो कहती है मैं मुंह बंद करके बात करती हूँ, तू दांत दिखा के बात करता है। ओह, डायलॉग बहुत बढ़िया है। ओके, जाते जाते विजय जी कितना स्टार्स देंगे आप? भाई तो एक मैसेंजर हो गया अक्षय कुमार तो, आज ऐसा लगता है कई सालों में एक मोबाइल में ऐप आएगा अक्षय कुमार के नाम का। कितना स्टार्स देंगे आप पिक्चर को? 5 में से 5, क्योंकि मैसेज है और फिल्म को टैक्स फ्री होना चाहिए। टैक्स फ्री होना चाहिए, ताकि टॉयलेट के जैसे लोगों के मैसेज मिले। ओके ओके, कितना स्टार्स देंगे आप? एग्जैक्टली साहब, टैक्स फ्री का मामला मैं भी ये एग्री करता हूँ कि इट कैन बी टैक्स फ्री, एंड स्टार्स की अगर हम बात करें तो 5 में से 4। ओके, ऑलराइट, पिक्चर को 5 में से 4 ले अक्षय कुमार के दमदार परफॉर्मेंस के लिए 5 में से 5। और स्पेशल मेंशन पूरा क्रेडिट आता है ट्विंकल खन्ना को, पूरा कंसेप्ट ट्विंकल खन्ना का ही है। क्या बात है, so heads up to Twinkle Khanna, Akshay and Arbal ki, it's super hit. Great, there you heard it from the three wise men, they have absolutely loved Padman, so what you got to do is book your tickets to watch this movie in a theater nearby you. This is Sonup signing off from Bollywood.